भाई आपने छोले कुलचे बहुत खा लिए, छोले भटूरे बहुत खा लिए, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा खिलाने के लिए लेके आया हूँ जो शायद आपने कभी भी पहले कहीं देखा नहीं होगा। जी हाँ, आज मैं आपको लेके आया हूँ सोनी जी छोले कुलचे वाले के यहाँ। लेकिन यहाँ पे इनके छोले कुलचे से ज़्यादा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा फेमस है ना, वो है इनके ब्रेड और छोले। सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि छोले के साथ ब्रेड का कॉम्बिनेशन, बट भाई साहब मैच मेड इन हेवन है वो कॉम्बिनेशन। ब्रेड को मक्खन में सेका जाता है, छोले में डबल तड़का लगाया जाता है और उसके बाद आपको सर्व किया जाता है बहुत ही बेहतरीन सैलेड के साथ। मुझे पता है आपके मुंह में बहुत पानी आ रहा है, बोलते बोलते मेरे मुंह में ही आ रहा है, तो आपके कैसे नहीं आ रहा होगा। लेके चलता हूँ आपको सोनी जी के पास, दिखाता हूँ किस तरीके से इसे तैयार किया जाता है और क्यों पूरा का पूरा शहर दीवाना है इनके छोले कुलचे और साथ में ब्रेड छोले का। पापा भी आते हैं, बाबा भी आते हैं। मैं 25 साल का हो गया, तो 25 साल में 18 साल तो खाते हुए हुआ है। अब वही स्वाद है, स्वाद में कोई डिफरेंट नहीं। अमूल मक्खन देखो एक्स्ट्रा साथ में दिया है। यहाँ पे छोले जो बनाए जाते हैं ना आपने अभी कई ऐसे बनते देखे होंगे और ना आपने ऐसे छोले खाए होंगे। अब ये देखिए पूरे तवा भर के यहाँ पे अभी छोले का तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले जाती है हरी मिर्ची, उसके बाद आता है अदरक, उसके बाद मक्खन की क्वांटिटी अभी कितनी आएगी ना वो आप अपने आंखों के सामने देखेंगे। कोई कंजूसी नहीं है मक्खन में, क्वांटिटी दर क्वांटिटी यहाँ पे अमूल का मक्खन लिया जाता है, डाला जाता है और इसमें लगाया जाता है तड़के का छोले का तड़का। अभी देखना आप किस तरीके से। तो सबसे पहले ये अपना मिर्ची और अदरक को भून लेंगे मक्खन के अंदर। ये देखिए तो बढ़िया तरीके से अदरक हो गया, हरी मिर्ची हो गई और मक्खन हो गया। अभी ये मक्खन इतना नहीं डलेगा, अभी जब छोले डल जाएंगे ना ऊपर से भी इसके मक्खन जाता है, वो आप देखिएगा किस तरीके से डलता है। तो अदरक और मिर्ची के बाद इसमें डाले जाते हैं चॉप प्याज। अब ये प्याज को भी भुना जाएगा मक्खन के अंदर। भाई आप क्वांटिटी देखिएगा कि कितनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पे छोले तैयार किए जाते हैं और क्यों ये इतने ज़्यादा फेमस है पूरे के पूरे ग्वालियर शहर में, क्योंकि यहाँ पे जो छोले होते हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपने ना कभी छोले कुलचे वाले को ऐसे छोले बनाते देखा होगा और ना कभी छोले भटूरे वाले को ऐसे छोले बनाते देखा होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो सबसे खास है वो ये कि यहाँ पे छोले ना कुलचे के साथ तो खाते हैं लोग, लेकिन छोले को ब्रेड के साथ खाना पसंद करते हैं लोग। ब्रेड को मक्खन में सेक के ये खिलाएंगे आपको बढ़िया भी छोले। तो प्याज देखिए कितनी क्वांटिटी में आ गया। अब ये देखिए जरा टमाटर, तो यहाँ पे अब ये चॉप्ड टमाटर डाले जा रहे हैं इसमें। ये देखिए भाई ये इसमें चॉप टमाटर आ गए और अब इसको भी अच्छे तरीके से मक्खन में भून लिया जाएगा। तो प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्ची है और है अदरक। तो आप प्याज को लाल नहीं करते ना वैसे? अच्छा पहले प्याज लाल होगा, प्याज और टमाटर लाल, फिर मसाले मसाले आएंगे इसमें। जी हाँ, तो जो आपने टमाटर प्याज डाले उसके लिए मसाला डालते हैं। छोले में ऑलरेडी तड़का रहता है, एक तड़का रहता है, दूसरा आप यहाँ लगाते हैं। अच्छा बिना लहसुन प्याज के वो दूसरे वाले छोले रहते हैं। अगर कोई बिना लहसुन प्याज के लेता है तो उसको वहाँ पतीले में से छोले दे दिए जाते हैं। जी ये देखिए, अच्छा लहसुन प्याज के बिना भी ऐसे तवे पे बना के देते हो, क्या बात है। तो अब देखिए आप इसमें डाले जा रहे हैं। जी पहले नमक डाला जाएगा इसमें। अब ये देखो भाई अच्छे से भून लिया जाएगा प्याज को टमाटर को। इसमें आ गई जी एक कसूरी मेथी। प्याज टमाटर बढ़िया से भुनने के बाद इसमें डाली जा रही है कसूरी मेथी और अभी आ रहा है थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा। छोले का स्वाद जो है मसाले का वो नहीं दबे। जी जी ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाला गया इसमें। अब ये छोले आपने और जगह देखा होगा कि अपन छोले चलाते हैं तब निकलते हैं, इसमें छोले है ना आपको ऊपर तक दिख रहे होंगे। जी जी जी। इतने मैश इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ये कि ऊपर तैरने लगते हैं। क्या बात है। देखिए तो ये देखिए इसमें पानी की मात्रा इतनी कम रखते हैं हम, बहुत कम रखते हैं। ऑब्वियसली क्या है हमारे पिताजी ने किसी को कॉपी नहीं किया, जो कुछ है उनने स्वयं। आप जो छोले का दाना जो है आपने कई जगह देखा होगा इसको कर्रा रहता है टाइट। ये देखिए देखिए जी ये देखिए देखो मलाई मलाई की तरह। ये धनिया डालने हैं उसके अंदर। अच्छा इसके अंदर धनिया नहीं डालते अपन, वहाँ पे बनाते समय उसमें धनिया नहीं डालते हैं। एक मिनट बस छोले उतारना है बस हाँ पैक करना है तो तू उसमें से पैक कर देना। ये पनीर ओ जब मैं आपको सर्व खाने के लिए दूंगा ना तब फिर पनीर और मक्खन अलग से दिया जाएगा। हाँ
भाई, अब आपने ये तो देख लिया कि छोले कैसे तैयार किए जाते हैं, आपको दिखाते हैं कुलचे किस तरीके से सेके जाते हैं। अब यहाँ पे कुलचे को सेकने का, कुलचे को सर्व करने का जो तरीका है ना, वो भी बिल्कुल अलग है, बड़ा अनोखा सा है। अब हर एक कुलचे के ऊपर देखिए लगभग 2 से 3 क्यूब मक्खन के रख रहे हैं, और अगर और कम पड़ेगा तो ऊपर से और डाल दिया जाएगा। ये देखिए, हाँ, अब एक एक करके सारे के सारे कुलचे को सेका जा रहा है। ये देखिए, वाह जी वाह, लाजवाब। अब ये ऊपर से इन्होंने प्रेशर रखा है, जिसको प्रेस करने से जो धनिया, जो कसूरी मेथी इन्होंने डाली, जो मक्खन इन्होंने डाला, वो बढ़िया तरीके से कुलचे में एकदम लग सा जाए, लपट सा जाए, जिससे हर बाइट में आपको आए भरपूर स्वाद। ये देखिए जी, ये देखिए जनाब, बढ़िया तरीके से कुलचे को सेक लिया गया और बढ़िया तरीके से करारा कर लिया जाता है कुलचे को, ताकि जब आप इसे छोले के साथ खाएं ना, इसका स्वाद आए भरपूर। अब ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इसी तरीके से कुलचे सिकते रहेंगे, छोले के तवे, जो तवे हैं उस पर छोले तैयार होते रहेंगे, और फिर कस्टमर जाके इसको इंजॉय करते रहेंगे। अच्छा, स्पेयर में भी रखते हैं एक दाना भाई। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ की सबसे फेमस डिशेज में से एक है ब्रेड छोले, छोले कुलचे, छोले भटूरे आपने बहुत खा लिए, लेकिन अब जरा यहाँ पे ये देखिए, ये ब्रेड छोले को किस तरीके से तैयार करते हैं। अब ब्रेड छोले के लिए सबसे पहले मक्खन की टिक्की ली जाती है, और मक्खन की टिक्की में बढ़िया से करारा ब्रेड आपको सेक के दी जाती है छोले के साथ। अब देखिए, एक एक करके सारे के सारे ब्रेड के पीसेस को सेकेंगे, और एक प्लेट में जाते हैं 4 पीसेस ब्रेड के। भाई साहब, मतलब ये इतनी टेस्टी है ना, कि अगर आपने ये खा लिया तो हो सकता है छोले कुलचे खाना भूल जाओ इसके बाद, क्योंकि ब्रेड और छोले का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो सच में मैच मेड इन हेवन है। देखिए, मक्खन की क्वांटिटी, भरपूर मात्रा में मक्खन रहता है, अच्छे से इसको सेकेंगे और उसके बाद फिर आपको सर्व करेंगे। ये आई जी दूसरी टिक्की मक्खन की, और उसमें भी अभी ये ब्रेड को जो है बढ़िया से सेका जाएगा। देखिए, पहले तो आप देखिए, पहले जब हमने छोले डाले थे कितने पतले थे, अब उसको देखिए थिकनेस कितनी बढ़ गई है उसकी, ये कितने गाढ़े हुए हैं, ये पानी इसमें रत्ती भर नहीं है। ठीक है जी, अब जब मैंने पहले बनाए थे तब पनीर वगैरह डाला था, मैंने अब जो दोबारा से पनीर डाला है, हाँ, ये थोड़ा गार्निश के लिए धनिया, मतलब मक्खन तो अलग से देते हैं हमें, ये आपके लिए बता रहा हूँ कि पहले ऐसे डालते थे तो ग्राहक पूछता था ये कि ये मक्खन कौन सा है, तो अब बाबा बताओ ग्राहक को, तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो क्यूब्स आती हैं उनको है ना चालू कर दिया, कि अब आप पूछेंगे नहीं हमसे कि हम कौन सा मक्खन दे रहे हैं आपको। और मक्खन की आप क्वांटिटी देख लीजिए कितनी सारी रखी हुई है, 6 से 7 किलो मक्खन लग जाता है रोज़ मुझे, और 4 से 5 किलो पनीर। ये मेरी प्लेट रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है सर कि वीडियो बन रहा है तो मैं आपको थोड़ा बताने के लिए कर रहा हूँ, आप कभी भी आइए, किसी को भी भेजिए, जैसे आपको दिख रहा है ना उसी तरीके का मिलेगा। छोले कुलचे मैंने आपको बहुत दिखाए हैं, मैंने खुद बहुत सारी जगह पे खाए हैं, छोले भटूरे भी इनफैक्ट आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ब्रेड और छोले का कॉम्बिनेशन देखा है? आई एम श्योर नहीं देखा होगा, तो इसलिए मैं आज आपके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ खास लेके आया था। एंड आई एम श्योर इसकी मेकिंग देखिए आपके मुँह में भी पानी मतलब इतना सारा आ रहा होगा ना, कि आप भी सोच रहे होंगे यार काश मैं स्क्रीन में घुस जाऊँ और ट्राई कर लूँ ये ब्रेड और छोले। सच में ये बहुत टेस्टी है, मैं पहले खा चुका हूँ, लेकिन अब आपको बताता हूँ कि किस तरीके से, आपने देखा ये बनाए जाते हैं, खाने का जो इसको तरीका है, आप लीजिए ब्रेड का एक बढ़िया सा पीस जो कि बढ़िया से मक्खन में लपालप है, साथ में रहते हैं ये छोले, साथ में आपको ये सैलेड भी बढ़िया तरीके से सर्व करते हैं, और ये एक परफेक्ट बाइट रहती है ब्रेड और छोले की। मुझे पहले लगता था कि छोले कुलचे के ऊपर कुछ नहीं है, ब्रेड छोले के ऊपर कुछ नहीं है। अगर आपने लाइफ में अभी तक ये ब्रेड छोले नहीं खाया ना, कभी भी मौका मिले ना ग्वालियर आने का, तो सोनी जी के ये ब्रेड और ये छोले खाइएगा, और बताइएगा आपको मेरी रिकमेंडेशन कैसी लगी, और कमेंट्स में जाके ये भी बताइएगा कि क्या आपने कभी ब्रेड छोले खाए हैं। सच में बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, 70 रुपये की ये प्लेट रहती है। कहाँ आना है वो सब आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, यहाँ पे टाइमिंग रहता है शाम को 4 बजे से रात के 12 बजे तक। आइएगा, खाइएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रिकमेंडेशन, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी खाने की तलाश हुई जारी रहेगी, आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर जाते जाते ये ब्रेड छोले की बाइट नहीं लेके जाओगे ना, मज़ा नहीं आएगा फिर। बढ़िया से मक्खन वाले ये छोले, ये सैलेड, ये ऊपर से चटपटी ये मिर्ची, हाँ, और ये एक परफेक्ट बाइट, लेके जाइएगा।